धर्मनगरी हरिद्वार में शहर भर में कूड़ा नहीं उठने से नाराज मेयर और कांग्रेस पार्षदों ने आज निगम अधिकारियों का घेराव किया। आपको बता दें कि तकरीबन 18 दिन से हरिद्वार से कूड़ा उठाने वाली कंपनी केआरएल ने अपने कार्य से बहिष्कार कर रखा है, जिस वजह से हरिद्वार में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और नगर निगम के अधिकारियों ने इस समस्या को हल्के में ले रखा है। हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा का आरोप है कि कई बार अवगत कराने के बावजूद भी अधिकारी समाधान तो दूर मिल भी नहीं रहे हैं। सहायक नगर आयुक्त उत्तम सिंह नेगी व विनोद आर्य के घेराव के दौरान मेयर ने कहा कि वो 9 घंटे कार्य कर कूड़ा उठवा रहे हैं, लेकिन कहीं भी काम नजर नहीं आ रहा है। और ये हर जगह नाली क्या कूड़ों के इतने ढेर हैं कि सभी पार्षद हमारे ज्वालापुर के भी आए हुए हैं और उनकी शिकायत पे तो भी कोई मतलब वो नहीं हो रहा कि भाई इतना गंदा हो रहा सारा शहर, कह रहे कि सफाई हो रही है, 9 बजे तक हम कूड़ा उठा रहे हैं। आप ये देखिए कि कूड़ा उठ कहाँ रहा है 9 बजे तक, ना कोई साधन है, ना इन पे कोई कुछ नहीं है, इन पे निगम, ये तो कंगाल निगम है, क्योंकि ऐसे मंत्री जी ने ऐसा कंगाल कर दिया ना इनको कि कुछ नहीं है यहाँ पे साधन। पार्षद इसरार अहमद ने कहा कि 2 दिन में अगर व्यवस्था ठीक नहीं होती तो निगम अधिकारियों के कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। अगर इन्होंने इसकी व्यवस्था को ठीक नहीं किया, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ बैठ जाएंगे वहाँ के सब। अगर इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी सुधार ले, अभी हाँ मैम ने साहब हमें यहाँ मिले नहीं, ऐसे ने साहब से वहाँ बात हुई है पर कोई भी संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।